देवी महात्म्यम नवमोऽध्यायः बन्धोग कांचन निभं रुजिराक्षमालां पाशांगुशौ च वरदां निज बाहुदण्डै बिभ्राणबिन्दु सकलाभरणं त्रिनेत्रं अर्धाम्बिके समनिशं बभुराश्रयामि। राजोवाच विचित्रमिदमाख्यातं भगवन् भवता मम देव्याश्चरितमाहात्म्यं रक्तबीजवदाश्रितं भूयश्चेच्छाम्यहं श्रोतुं रक्तबीजे निपातिते चकारशुम्भो यत्कर्म निशुम्भश्चाधिकोपनः। ऋषिरुवाच चकारकोपमतुलं रक्तबीजे निपातिते शुम्भासुरनिशुम्भश्च हतेष्वन्येषु चाहवे। हन्यमानं महासैन्यं विलोक्यामृषमुद्वहन् अभ्यधावन्निशुम्भोद मुख्यया सुरसेनया तस्याग्रदस्तदा पृष्टे पार्श्वयोश्च महासुरः सन्दष्टौष्टपुडा क्रुद्धा हन्तुं देवीमुपाययोः आजगाम महावीर्ये शुम्भोऽभि स्वबलैर्वृतः निहन्तुं चण्डिकां कोपात् कृत्वा युद्धं तु मातृभिः। ततो युद्धमधीवासी देव्या शुम्भनिशुम्भयोः सर्वर्षमधीवोघ्रं मेघयोरिव वर्षतः। चिच्छेदास्तां सरस्ताभ्यां चण्डिका स्वस्वरोत्करैः ताडयामास चाङ्गेषु सस्रौखैरसुरेश्वरौ। निशुम्भो निशिदं गड्गं चर्म चादाय सुप्रभम् अताडयन्मोद्निसिंहं देव्या वाहनमुत्तमं ताडिदे वाहने देवी क्षुरप्रेणासिमुत्तमं निशुम्भस्याशु चिच्छेद चर्म चाप्यष्टचन्द्रकं चिन्ने चर्मणि गड्गे च शक्तिं चिक्षेप चोऽसुरः। तामप्यस्य द्विधा चक्रे चक्रेणाभिमुखाकतां कोभद्मातो निशुम्भोद शूलं जघ्रावदानवः आयान्तं मुष्टिपातेन देवी तच्चाप्यचूर्णयत्। आविध्यादकदांसोऽभि चिक्षेप चण्डिकां प्रति साभिदेव्या त्रिशूलेन भिन्ना भस्मत्वमागता। ततः परशुहस्तं तं मायान्तं दैत्यपुङ्गवम् आहत्य देवी बाणौकै अपातयत भूतले। तस्मिन् निपतिते भूमौ निशुम्भे भीमविक्रमे भ्रातर्यतीव संक्रुद्ध प्रयोयोद्धुमम्बिकां सरदस्तस्तदात्युच्छे गृहीत परमायुधैः भुजैरष्टाभिरदुलै व्याप्याशेषं भवो नवक तमायान्तं समालोक्य देवी शङ्खमवादयत् जाशब्दं चाभिधनुषच्चकारादीव दुःसहं पूरयामासक गुभो निजगण्डासुनेन च समस्तदैत्यसैन्यानां तेजोवतविदायिनां। ततः सिंहो महानादेस्त्याजितेव महामदैः पूरयामास गगनं गां तदोपदिशोदशः। ततः काली समुत्पत्य गगनं श्माम ताडयत् कराभ्यां तन्निनादेन प्राक्सुनास्तेति रोहिताः अट्टाटहासमशिवं शिवदूती चकारः। तैशब्दैरसुरास्ते स्वं शुम्भकोपं परं ययौ दुरात्मं तिष्ठतिष्ठेति व्याजहाराम्बिगायतां तदा जयेत्यभिहितं देवैराकाशसंस्थितै। शुम्भेनागत्य या शक्तिर्मुक्ता ज्वालादिभीषणा आयान्दीवग्निगूढाभासा निरस्कामहोल्कया सिंहनादेन शुम्भस्य व्याप्तं लोकत्रयान्तरं निर्घातनिःस्वनो घोरो जितवानवनीपते। शुम्भमुक्तान् सरान् देवी शुम्भस्तत्प्रहितान् सरान् चिच्छेदस्वस्वरैरुग्रै शतशोधसहस्रशः। ततः सा चण्डिका क्रुद्धा शूलेनाभिजगानथं सतदाभिहतो भूमौ मूर्छितोऽनिपपातः। ततो निशुम्भ सम्प्राप्य चेतनामातकार्मुकः आजगानशरे देवीं कालीं केसरिणं तथा पुनश्च कृत्वा बाहूनाम् आयुधं धनुजेश्वरः चक्रायुधेन दिदिशश्चादयामास चण्डिकां। ततो भगवती क्रुद्धा दुर्गा दुर्गातिनाशिनी चिच्छेद तानि चक्राणि स्वसरे सायकांश्च तान्। ततो निशुम्भो वेगेन गदामादाय चण्डिकाम् अभ्यधावत वै हन्तुं दैत्यसेना समावृतः। तस्यापतत एवाशु गदां चिच्छेद चण्डिका गड्गेन शितधारेण स च शूलं सदामते। शूलहस्तं समायान्तं निशुम्भमरार्धनं हृदि विव्याधशूलेन वेगाविद्धेन चण्डिका भिन्नस्य तस्य शूलेन हृदयानुसृतोपरः महाबलो महावीर्य तिष्ठेदि पुरुषो वदन्।
तस्य निष्क्रामतो देवी प्रहस्यस्य न वत्तदः शिरश्चिच्छेद गड्गेन तदोसावपदद्भुवि ततः सिंहश्च गादोग्र दंष्ट्राक्षुण्ण शिरोधरान् असुरांस्तां तदा काली शिवदूती तदापरान् कौमारी शक्तिनिर्भिन्ना केजिन्नेशुर्महासुराः ब्रह्माणि मन्त्रपूतेन तोयेनान्ये निराकृताः माहेश्वरी त्रिशूलेन भिन्नापेदुस्तदापरे वाराही तुंडघादेन केजिचूर्णीकृता भुवि घंडम घंडम च चक्रेण वैष्णव्यादान वाकृता वज्रेण चैन्द्रियहस्ताग्र विमुक्तेन तदापरे केजिद्धिनेशरसुरां केजिन्नष्टा महाहवाद् भक्षिता च बरे काली शिवदूती मृगादिभैः ओम जय जय मार्कंडेय पुराणे सावर्णिके मन्वंतरे देवी महात्म्ये निशुम्भवतो नम ஒன்பதாவது அத்தியாயம். தேவி மகாத்மியம். நிசும்பன் வதம். ரத்தபீஜனும் அவனது படை வீரர்களும் மாண்டு போனதை கேள்வியுற்ற சும்பனும் நிசும்பனும் அடங்கா கோபத்துடன் பெரும் சேனைகளை திரட்டி கொண்டு சண்டிகாதேவியை கொல்லும் நோக்கத்துடன் அம்புகளாலும் வாட்களாலும் தேவியை எதிர்த்து போரிட்டார்கள். அவர்கள் அனைத்தையும் அம்பிகை தகர்த்தெறிந்தாள். நிசும்பன் சிங்கத்தின் தலையை வாளால் வெட்ட முயன்றதைக் கண்ட சண்டிமாதேவி அவன் வாளையும் கவசத்தையும் தனது கத்தியால் துண்டித்தாள். பிறகு அவன் ஒன்றன் பின் ஒன்றாக வீசிய சக்தி ஆயுதத்தையும் சூலாயுதத்தையும் கதையையும் கோடரியையும் துண்டுகளாக்கி தாக்கி நிசும்பனை மூர்ச்சையடையச் செய்தாள். நிசும்பன் தரையில் மயங்கி வீழ்ந்ததைக் கண்டு மிகவும் ஆத்திரமடைந்த சும்பன் தனது உடலை பூதாகாரமாக பெரிதாக்கி கொண்டான். தனது எட்டு கைகளிலும் பல்வேறு ஆயுதங்களை ஏந்தி கொண்டு தேவியை நோக்கி ஆக்ரோஷமாக பாய்ந்து வந்தான். சண்டிகாதேவி சங்கநாதம் செய்து தன் வில்லின் நாணினால் பயங்கர ஒளியை எழுப்பினாள். மணியின் ஓசையையும் எழுப்பி அசுரப்படை வீரர்களையும் அஷ்ட திக்குகளையும் நடுங்கச் செய்தாள். சிங்கத்தின் கர்ஜனையும் பத்து திசைகளும் பயப்படும்படி ஒலித்தது. உடனே ஆகாயத்தில் எம்பி கிளம்பிய காளியானவள் சும்பனை பார்த்து, அடே துராத்மா, நில் நில் அங்கே, என்னையா எதிர்க்கிறாய், என்ன செய்கிறேன் பார் என்றவுடன் தேவர்கள் ஜய ஜய என கோஷம் எழுப்பினார்கள். அப்படியும் சும்பன் பயப்படாமல் தீப்பொறிகளை கக்கி கொண்டு தனது சக்தி ஆயுதத்தை காளி மீது எறிந்தான். காளி அதை அக்கணமே முறித்தாள். பின்பு சும்பன் எய்த வானங்களையும் ஒன்றுவிடாமல் பொடி பொடியாக்கிவிட்டு தனது சூலாயுதத்தால் அவனுடைய உடலில் குத்தவே அவன் மூர்ச்சித்து வீழ்ந்தான். அதே சமயம் ஏற்கனவே மூர்ச்சித்து கீழே கிடந்த நிசும்பன் சுய நினைவடைந்து 10,000 கைகளை உண்டாக்கி கொண்டு அவைகளில் ஏந்தி கொண்டிருக்கும் சக்ராயுதங்களால் சண்டிகாதேவியையும் சிங்கத்தையும் தாக்கினான். தேவி தனது பாணங்களால் அவைகளை தூளாக்கினாள். பின் சூலாயுதத்தால் நிசும்பனின் மார்பில் குத்தவே அவனுடைய மார்பிலிருந்து அப்போதே வெளிவந்த ஓர் சூரன் அம்பாளை கொல்ல வந்தான். ஒரு கணமும் தாமதியாமல் அவனது தலையை தேவி வாளால் வெட்டவே நிசும்பன் உயிரிழந்தான். நிசும்பன் மாண்டதும் காளியும் சிவதூதியும் சிங்கமும் அசுரர்கள் சிலரை விழுங்கி மாளச் செய்தனர். கௌமாரியானவள் தனது வேலாயுதத்தினால் சில அசுரர்களை குத்தி தரையில் சாய்த்தாள். பிரம்மாணி தனது கமண்டல ஜலத்தில் மந்திர சக்தியை பிரயோகித்து சில அசுரர்களின் மீது தெளித்து அவர்களின் உயிர்களை போக்கினாள். மாகேஸ்வரி தனது திருசூலத்தினால் பல அசுரர்களை பிளந்து வதம் செய்தாள். வாராகி தனது முகத்தினாலேயே சில அசுர வீரர்களை கடுமையாக மோதி சாகடித்தாள். வைஷ்ணவி தன் சக்ராயுதத்தை பிரயோகித்து மற்றும் சில அரக்கப்பட வீரர்களை துண்டு துண்டாக செய்தாள். ஐந்திரி தன் வஜ்ராயுதத்தை கொண்டு சில அசுரர்களை அடித்து மாய்த்தாள். இத்தனைக்கும் பிறகு எஞ்சிய மிகச் சில அசுரர்கள் பயந்து அலறிக்கொண்டு ஓடி மறைந்தார்கள்.